आज से कुछ सालों पहले किसी ने भी AMT गियरबॉक्सेस या AMT कार्स के बारे में सुना नहीं था, और आज ऐसा आलम है कि हर किसी को AMT कार चाहिए। हर मैन्युफैक्चरर AMT कार लेकर आ रहा है। लगभग हर मास मैन्युफैक्चरर जो है, मतलब मास सेगमेंट मैन्युफैक्चरर है, चाहे मारुति की बात कर लीजिए, ह्यूंडई, टाटा, महिंद्रा, रेनो, ये सभी आज AMT कार्स ऑफर कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं वो कल ऑफर करेंगे। तो कहने का मतलब AMT कार्स डिमांड में बहुत ज़्यादा है, पर मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉपर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस नहीं होते हैं। जो ट्रेडिशनल ऑटोमेटिक्स हैं, टॉर्क इन्वर्टर, उससे ये अलग होता है। CVTs जो होते हैं या फिर DCTs जो होते हैं, उनसे ये अलग है, क्योंकि ये बेसिकली होते मैनुअल ट्रांसमिशन ही है, पर एक जुगाड़ से या फिर आप बोल सकते हैं कि AMT किट की मदद से उस मैनुअल ट्रांसमिशन को ऑटोमेटिक के जैसा बनाया जाता है, वो एक्सपीरियंस देने के लिए, पर ये प्रॉपर ऑटोमेटिक नहीं होते हैं। तो इसकी वजह से इसकी खुद कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ कमियाँ हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ AMT ट्रांसमिशंस की 3 कमियाँ, जो कि आप कुछ ट्रिक से या फिर कुछ तरीकों से दूर कर सकते हैं और आप अपने AMT कार को ज़्यादा बेहतर तरीके से चला सकते हैं। तो पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आप AMT कार्स में देखेंगे, जितनी भी AMT कार्स आप चलाएंगे, उनमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर आप स्टीप इंक्लाइन पे हैं, मतलब आप पहाड़ी रास्तों पे हैं मान लीजिए, तो उस वक्त अगर आपको गाड़ी रोकनी पड़ रही है किसी मोमेंट पे, आप मोमेंटम में नहीं है, तो उस वक्त गाड़ी जब आप चढ़ाएंगे तो गाड़ी रोल बैक कर सकती है। मतलब अगर आप इसको डी मोड में भी चलाएंगे, डिफॉल्ट डी मोड में, तो भी गाड़ी रोल बैक कर सकती है, जो कि डेंजरस सिचुएशन हो सकती है ऐसे कंडीशंस में। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि अभी गाड़ी थोड़ी चढ़ाई में है, हमारी गाड़ी न्यूट्रल में है, मैंने हैंड ब्रेक हटाया, डी में इसे लिया और ब्रेक से अपना पाँव हटाया। अब ब्रेक से मैं पाँव हटा रहा हूँ, डी मोड में होते हुए भी गाड़ी पीछे की तरफ रोल बैक हो रही है, जो कि एक डेंजरस सिचुएशन है। और ये उतना स्टीप इंक्लाइन नहीं है, अगर इससे भी ज़्यादा होगा तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब इस सिचुएशन में कई लोग सजेस्ट करेंगे कि आप इसे मैनुअल मोड में लेके जाइए, बट मैनुअल मोड में लेके जाने के बाद भी ये जो प्रॉपर मैनुअल्स होती हैं वैसे रिएक्ट नहीं करती है। जैसे कि मैं अभी इसे एम मोड में लेके जा रहा हूँ और ये फर्स्ट गियर में है, 1M आपको दिखा रहा है, उसके बाद भी गाड़ी पीछे की तरफ रोल बैक हो रही है। मतलब ये वैसे रिएक्ट नहीं करेगी जैसा हाफ क्लच और ब्रेक वाला जो कॉम्बिनेशन होता है वो आप ट्राई करते हैं, वैसे ये रिएक्ट नहीं करेगी। और एक और चीज़, अगर आप इसे डी मोड में ही रखते हैं और एक्सेलरेटर को अगर आप प्रेस करेंगे, तो कई बार क्या होता है, बढ़ तो जाती है, पर अगर स्टीप इंक्लाइन हो या बारिश हुई हो या ऐसी कोई सिचुएशन हो, तो व्हील स्पिन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो थोड़ा डेंजरस हो जाता है। तो इसे हैंडल करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप सबसे पहले हैंड ब्रेक लगाइए गाड़ी का। हैंड ब्रेक लगाने के बाद इसे डी मोड में लेकर आइए। डी मोड में लेकर आने के बाद ब्रेक से अपना पाँव हटाएंगे आप, क्योंकि हैंड ब्रेक लगा हुआ है, और एक्सेलरेटर पर अपना पाँव रखेंगे। एक्सेलरेटर पर जैसे आप पाँव रखेंगे तो आपको ये मूवमेंट जो दिख रहा है गाड़ी का वो दिखाई देगा। इसका मतलब गाड़ी तैयार है आगे बढ़ने के लिए, और उसके बाद में आप हैंड ब्रेक छोड़ दीजिए, गाड़ी ईजिली बिना किसी शिकन के, बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ जाएगी, ना कोई व्हील स्पिन होगा, ना कोई और परेशानी होगी। और ये और भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है अगर मान लीजिए किसी सिचुएशन में आपको स्टीप डिक्लाइन पे या इंक्लाइन पे आपको पार्क करना पड़ता है गाड़ी को, रिवर्स में आपको थोड़ा ऊंचे की तरफ गाड़ी को लेके जाना हो गाड़ी को निकालने के लिए। अभी उदाहरण के तौर पर हम उसी स्टीप इंक्लाइन पे वापस से ऊपर की तरफ जा रहे हैं रिवर्स में, तो हम इसे रिवर्स मोड में डालेंगे, और रिवर्स मोड में टेक्निकली आपकी गाड़ी पीछे जानी चाहिए, बट अगर आपकी AMT गाड़ी है, मतलब AMT ट्रांसमिशन वाली गाड़ी है, तो कई बार सिचुएशंस होती हैं कि आपकी गाड़ी आगे की तरफ बढ़ेगी, जैसे कि रिवर्स डालने के बाद भी अभी गाड़ी आगे जा रही है जबकि इसको टेक्निकली पीछे जाना चाहिए। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन भी वही है, आपको हैंड ब्रेक इस्तेमाल करना पड़ेगा रिवर्स गियर के साथ में। आप गाड़ी का हैंड ब्रेक लगाइए और रिवर्स में आप उसको डालिए, और रिवर्स में डालने के बाद में फिर आपको एक्सेलरेटर पे थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा, मतलब आपका जो पाम है एक्सेलरेटर पे होना चाहिए, और धीरे धीरे आप हैंड ब्रेक छोड़ सकते हैं लाइक दैट। अभी मैं एक्सेलरेटर पे अपना पाम रख दिया मैंने, और आपको हल्का सा मूवमेंट गाड़ी दिखाएगी कि अब ये तैयार है, आपको फील हो जाएगा कि हाँ अब ये तैयार हो गई है, और धीरे धीरे आप इसको हैंड ब्रेक को नीचे करेंगे और गाड़ी आपकी पीछे की तरफ आने लग जाएगी, फिर आपको मोमेंटम बन जाएगा, तो ये ईजी हो जाता है। तो ये एक तरीके से ट्रिक है। अब बढ़ते हैं इसके अगले प्रॉब्लम की ओर, जो कि है इसका कन्फ्यूज्ड क्रीप फंक्शन। अब जितने भी आप AMT गियरबॉक्स लेंगे उन सब में आपको क्रीप फंक्शन मिलता है। अब क्रीप फंक्शन क्या होता है? क्रीप फंक्शन बेसिकली आपको बिना एक्सेलरेटर दबाए कुछ सर्टेन स्पीड तक मोमेंटम देता है, मतलब 5 to 6 KMPH तक गाड़ी खुद ब खुद चल लेती है, जो कि स्टॉप एंड गो ट्रैफिक सिचुएशन में काफ़ी सहूलियत वाला एक फीचर है।
पर कुछ सिचुएशन में, जैसे कि मान लीजिए आप स्टॉप एंड गो ट्रैफिक सिचुएशन में हैं, स्पेशली अगर आप फ्लाईओवर पे हैं, तो उस वक्त आपका क्रीप फंक्शन कई बार कंफ्यूज हो जाता है और ये बहुत ही आम एक प्रॉब्लम है इस AMT गियरबॉक्स की, इसकी नहीं मतलब सभी AMT गियरबॉक्सेस की, कि अगर आप क्रीप फंक्शन को कॉन्स्टेंटली नहीं यूज़ करते हैं, मान लीजिए आप स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में ज़्यादा एक्सेलेटर को दबाते हैं, तो आपका क्रीप फंक्शन जो होता है वो बाई डिफॉल्ट थोड़ा कम काम करने लग जाता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर को लगता है कि आप बहुत कम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप क्रीप फंक्शन को कॉन्स्टेंटली यूज़ करते रहेंगे, चाहे आप पार्किंग में गाड़ी लगा रहे हैं तो उस वक्त क्रीप फंक्शन यूज़ कीजिए, या फिर आप नॉर्मल जो स्टॉप एंड गो ट्रैफिक सिचुएशन है उसमें आप क्रीप फंक्शन यूज़ कीजिए, सॉफ्टवेयर वापस से आपके बिहेवियर को स्टडी करेगा, अंडरस्टैंड करेगा और उसके बाद में आपका क्रीप फंक्शन नॉर्मल तरीके से काम करने लग जाएगा। तो कहने का मतलब एक सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू है, इशू तो नहीं है, आप ये बोल सकते हो कि वो अंडरस्टैंड करता है, आपको जानने की कोशिश करता है, अगर आपका बिहेवियर वैसा नहीं है तो वो चेंज हो जाता है, तो आप वापस से क्रीप फंक्शन को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो ये इजीली काम करना शुरू कर देगा। अब जो तीसरी बड़ी प्रॉब्लम AMTs के साथ में आप फेस करेंगे वो है कि ये बहुत जल्दी अपशिफ्ट होते हैं, मतलब ये जो गियरबॉक्स है वो बहुत जल्दी अपशिफ्ट होता है, और डाउनशिफ्ट जो होता है वो काफ़ी लेट होता है, जो कि कई सिचुएशंस में आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। जैसे कि आप हिली सेक्शन में चला रहे हैं जहां पर आपको मैक्सिमम टॉर्क बैंड में रहना है, मतलब मैक्सिमम पुलिंग पावर चाहिए, या फिर आप हाईवे पे चला रहे हैं जब आपको किसी को ओवरटेक करना हो, तो उस वक्त क्योंकि अपशिफ्ट हो रहा है और आपको जल्दी डाउनशिफ्ट करना है तो वो वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि आप मान लीजिए कि फिफ्थ गियर में चल रहे हैं और आपको किसी मोमेंट पे ओवरटेक करना हो, या हिली सेक्शन में आपको जल्दी से ढंगी पुलिंग पावर चाहिए, तो आप एक्सेलरेटर को जैसे ही प्रेस करेंगे, एक्सेलरेटर पेडल को थोड़ा सा प्रेस कीजिए, थोड़ा सा तेज़, और ये जल्दी से आपको सेकेंड गियर में ले आता है या फिर जो लोअर गियर्स होते हैं उसमें ले आता है। उससे ये होता है कि आप जो पीक टॉर्क वाली बैंड है उसमें आ जाएंगे और आपको बेहतर टॉर्क मिलेगी, बेहतर पुलिंग पावर मिलेगी। तो ये है AMT गियरबॉक्सेस के कुछ शॉर्टकमिंग्स, कुछ कमियां या फिर कुछ इश्यूज आप बोल सकते हैं, जिन्हें कैसे टैकल करना है वो मैंने समझाने की कोशिश की है इस वीडियो में। मतलब ये ट्रिक्स हैं जिनकी मदद से आप बेहतर तरीके से एक AMT गाड़ी को चला सकते हैं, कोई भी AMT गाड़ी हो, ये स्पेसिफिक नहीं है कि मारुति के साथ में ही है, टाटा के साथ में ही है, जितनी भी AMT की गाड़ियां हैं उनके साथ में ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं, और इन ट्रिक्स से आप डेफिनेटली उन्हें बेहतर तरीके से टैकल करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपके कोई सवाल हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप हमसे लाइव जुड़ना चाहते हैं लाइव Q&A में, तो हम हर थर्सडे को इंस्टाग्राम पे लाइव होते हैं हमारे ऑफिशियल हैंडल @IndiaCarNews पे। सो सी यू गाइस।